वंदे मातरम पिला माने तुमको आज क्लास को स्वागत। तो क्लास आरंभ करने पूर्व माँ के उद्देश्य गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना करवा एवं तापर क्लास टी आरंभ करवा। तो समस्ते गोटे मिनिट नीरव रही पाने आम पूर्व क्लास रे पढ़ी आसते उड़ूवा पक्षी आकड़ विषय पढ़ी आसे। आज आम जल रोकवा उद्भिद मान विशेष गुण गुड़िक कौन ताकू आलोचना करवा। आम से दिन सब पढ़ी दे ठीक अच्छे आम सब पढ़ी दे कि आज आज भल भाव व्याख्या करवा विस्तृत करवा है जल में रोकवा उद्भिद विशेष गुण। जल में रोकवा उद्भिद विशेष कौन देख पाने जल में रोकवा उद्भिदर अंग छोट छोट मुठरी द्वारा गठित एवं यह अम्लजान अंगारकाम्ल पूर्ण आउ कौन ना यह फूल पत्र पानी में भाषे और चेरगुड़िक कौन जल धारण क्षमता बहुत कम। कई पद्म
सारू गच देख सारू गच सुनु सुनिया सुन आदि गच्छर पत्र रे पानी रहे ना हमर कई पद्म सारू आउरी गच्छ अछि कि हम तीन टा लेखि जे आ सुनसुनिया ए सोल आदि गच्छर पत्र रे देखिबो हमर साधारणत बल हमे कोनोसी पत्र को पानी रे बुडै देले कोन हबो पानी पानी रे बुडै देले पानी पत्र ऊपर लागि जाय बा ओदा लेखा जाय किंतु ए गच्छर जो पत्र गुडी को रहिछि आ ऊपर यदि हमे पानी ढालिबा ता कोन हबो ना पानी टोटाल लगभग एवं पानी गुड़िक ऑटोमेटिक कौन हम तल को पड़ज ठीक अच्छे तापर देख पिला कहते मरु अंचल कंटा जातीय गच्छर विशेषत्व मरु अंचल कंटा जातीय गच्छर विशेष गुण मरु अंचल कंटा जातीय गच्छर विशेष गुण कि गुण हेतु यही गच्छ गुड़िक मरु भूमि अंचल तिष्ठिक रही चाहिए हेला देख यही अंचल कंटा गच्छ चेर अनेक गभीर को जाए कौन ना यार कांड गुड़ ओसारिया तो यही गच्छर कांड गुड़िक ओसारिया ओ सबुज जल संचित हुई जल संचित हुई
रही थाए। कोंटा कोंटा पत्र रूप बा रूपांतर शत्रु आक्रमण को रक्षा पाए तो पिला माने मरु अंचल कंटा जातीय गछर विशेष गुण यही अंचल कंटा गछर तेर अनेक गभीर को जाए यही गछर कांड गुड़िक ओसारिया और सबुज रंगर एतिरे कौन थाए ना जल संचित हो रही था कौते कांड गुड़िक कंटा हूँ पत्र रूप बा रूपातर यह क्या जो कंटा जो गछ शत्रु आक्रमण रु रक्षा पाई शत्रु गछ शत्रु किए मरुभूमि रुवा प्राणी देख पे सिदु नागफेणी सप्तफेणी आदि मरु अंचल देखा जा गछ अटे यही गछ गुड़िक मरु अंचल विशेष भाव में देखा मिलती
देख पाने कंटा जतिय गछर कांडर छिद्र कड़ा थी वायु शोषण कर वायुमंडल 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 रु वायु शोषण कर श्वास क्रिया करता है किए ना ये कंटा जतिय गछ माने आउ कौन ना एम कांडर संचित जल जलाभाव जल अभाव समय खाद्य प्रस्तुत करवहृत हुए कौन अच्छी देखा ये कौन जल रुवा उद्भिद विशेष गुण तेई विशेष गुण गुड़िक हेतु यह मरुभूमि परी जल क्लिष्ट अंचल गुड़िक कण हमें ना बंची रही दीर्घ दिन पर्यंत बंची रही था आम देखा ग्रीष्म शीत अंचल प्राणीर शारीरिक गठन देख पे ग्रीष्म शीत अंचल रोकवा प्राणी शारीरिक गठन प्रथम शीत अंचल तुंगा अंचल कहते से अंचल रोकवा प्राणी विशेष देखते हिमालय में रोकवा चमरी गाई भालुर शरीर में बहुत लंबा और घन लोम थाए तुंद्रा बलगा हरिण धला भालुर मध्यपरी लोम था तेणु से शीत बाधे ना यह व्यतीत यही अंचल प्राणी मान चर्म तले बहुत चर्बी था जहाँकि थंडा समय शरीर शरीर को शरीर गरम रही था देख पाने ग्रीष्म अंचल रोकवा प्राणी ग्रीष्म अंचल आम कौ अंचल रोचे ना आम ग्रीष्म अंचल रोचे ग्रीष्म अंचल रोकवा प्राणी तथा कौ कौ प्राणी मणिष मैं लिखे ना मणिष गाई छेली मेढा हरिण घोड़ा गधा आदि एम यही मान आम शीत अंचल रोकवा प्राणी मानी घन लोम मोटा चर्बी न था ठीक अच्छे तापर कौन कौन ना प्राणी मान परेशर प्रभाव प्राणी मान परेशर प्रभाव प्राणी परिवेशर प्रभाव क्योंकि पृथ्वीर प्रत्येक स्थान परिवेश दिन राति बदल था नहीं कि ऋतु परिवर्तन यार प्रभाव प्राणी और उद्भिद मानक पड़ता है यही कथा पूर्व श्रेणी पढ़ी आस नुए कि आशा आउ थे मन पड़े तो बहुरूपी एंडुओ तुम्हें मैंने देखी बहुरूपी एंडुओ कौन करे ना निज को शत्रु कबल रक्षा पाइबा आउ निजर खाद्य
संग्रह करने कौन करे ना परेश देखिकी जो परेश रही थाए से परेश देखिक निजर रंग बदल जमीक जदि गच मान उड़े रही तो गचर गचर पत्र रंग सबुज से सबुज रंग रूपायित होते जदि गच बकल रंग धूसर तो धूसर रंग रंगित हो जाए तो यही भाव बहुरूपी एंड तार रंग बदल एम देखा आम आउ थ मन पक बेंगर जीवन ऋतुर प्रभाव तो आम प्रथम पढ़ी बेंग एक उभयचर प्राणी बर्षा ऋतु बेंग डिंब दिए डिंब मान कौन अंडा बर्षा ऋतु बेंग अंडा दिए डिंब फुटी बेंग फुला हुए शरत ऋतु बेंग फुला बेंग छोट छोट बेंग कौन हुए पूर्ण अवयव हो जाए हाँ परिणत हुए शीत ऋतु बेंग मटी तले पत्र गदा तले काठ बा गच्छे पथर सन्धि लुचि रहे एवं बाहर खाद्य किसी खाए ना ते कौ ऋतु बेंग बाहर खाद्य खाए ना तो आम शीत ऋतु नुए कि तो शीत ऋतु जो बेंग एपरी अवस्था रुहे तार यही अवस्था को कहती बेंगर शीत निद्रा बोली कहती तो शीत ऋतु पर बसंत ऋतु आसने बेंग बाहर को बाहर ग्रीष्म ऋतु केतक ग्रीष्म निद्रा जाती साधारण तो ग्रीष्म ऋतु जाती ना कि बेंग ग्रीष्म ऋतु शीत निद्रा जाए एबे कौटी पक्षी प्रवास कहले आम कौन बुझे ना शीत ऋतु शीत प्रधान अंचल अनेक जातिर पक्षी ग्रीष्म अंचल को उड़ी आसी किछि दिन रही पुणी फेरी जाए यह पक्षी प्रवास कहा जाए पक्षी प्रवास क्या कहा जाए पक्षी प्रवास देख शीत दिन शीत प्रधान अंचल अनेक जातिर पक्षी ग्रीष्म प्रधान अंचल को आसी
किछि दिन रही पुणी निज अंचल को फेरी जाए पक्षी प्रवास कहा जाए। तुम्हें माने को ब्लैक बोर्ड रे केमी देखा कही पार ना तेणुक लेखापे आउ थे प्रम्पटिंग कर उच्चारण करम भल भाव शुणापी बुझा तुम्हें मैंने नजर कर ठीक अच्छे। शरत ऋतु यही पक्षी मैंने साइबेरिया भाई थंडा अंचल छाड़ी साइबेरिया थंडा अंचल आम चिलिका अभिकार जेहेतु आम कौन आम भारत गोटे ग्रीष्म प्रधान देश तो ओडाटा आम भारत देश मध्य गोटे राज्य नुए कि आम ओडार चिलिका भितर कनिका को पल वर्षा बसंत ऋतु हेले पुणी निज देश को कही दिन रातिर प्रभाव पशु पक्षी प्राणी मानक दिन रातिर प्रभाव किपर अनेक पक्षी जता कुआ बग चिद घर चटिया इत्यादि पक्षी दिन में खाद्य खोज बुलती आउ सूर्यास्त पूर्व रात्रि जापन निज निज बसा को फेरी आस दिन आलोक उत्ताप एम को कार्यक्षम कराए रातिर अंधार आ ठंडा एम को विश्राम ने सुजोग दिए एगुड़िक गला कौन ना आम उद्भिद मान सरी प्राणी मान कौच उद्भिद मानक परेशर प्रभाव प्रथम दिन रातिर प्रभाव दिनजाक सूर्य किरण द्वारा गच तार खाद्य प्रस्तुत करे सबुज पत्र द्वारा नुह कि राति खाद्य प्रस्तुत करे कि गच ना कारण राति आलोक उत्ताप पाए ना तो दिन आलोक उष्णता जो हाँ चापुडा भाई केतक गचर पत्र खोली जाए आउ सूर्यास्त हो गले सूर्य अस्त हो गले आपे आपे बंद हो जाए मुदी हो जाए एबे उद्भिद मानकर उपरे ऋतु परिवर्तन प्रभाव कौन ना आम देशर सबु अंचल गच्छ मानकर शीत ऋतु में पत्र गुड़िक कौन करे पत्र झड़ा दिए झड़ी पड़े तापर नुआ पत्र कले बसंत ऋतु में पत्र कले अन्य केतक गच्छरे ग्रीष्म ऋतु में नुआ पत्र बाहर आउ शरत ऋतु नुआ पत्र रंग गाढ़ देखा जाए नाग चंपा भाई केतक गच्छ वर्षर विभिन्न समय पत्र झड़ा दे नूतन पत्र धारण करें जानू जे वर्षर एक निर्दिष्ट ऋतु में केतक गच्छे फूल धरे फल धरे आउ पाते गुल्म जातीय सान गच और केतक जातिर छतु बर्षा दिन गलती अल्प केत दिन गचगुड़ फूल फल धरी मरी जाती छतु खूब कम दिन में परिपक्व हो मरी जाए नुए कि पाने आमर पंचम श्रेणी विज्ञान बहर प्रथम विषय टी आज शेष होला वर्तमान आम यार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा ठीक अच्छे। तुम्हें माने निज निजर बही को देख प्रश्नावली एक नंबर शून्य स्थान पूरण कर एटा तुम्हें माने करी परिबो नुए कि प्राणी माने खाद्य पाई डैश उपर निर्भर करती उद्भिद मानक उपर निर्भर करती उद्भिदर शरीर प्रधानतः डैश और डैश गठित काठ आउ सेलुलोज गठित
डैश गठन पत्र ऊपर पटे छिद्र थाए जलज उद्भिद जलज गचर पत्र जलज गच्छ न लेखि आम लेखिपर कौन कई गचर पत्र ऊपर पटे छिद्र थाए डैश ऋतु बेंग लुचि रहे यहाँ तार डैश कहती शीत ऋतु बेंग लुचि रहे यहाँ तार शीत निद्रा कहती दुई नंबर बंधन मध्य ठीक उत्तर अच्छी शून्य स्थान पूरण कर क नंबर देखिए जल रे डैश बाष्प द्रवीभूत होइतबार जलचर प्राणी बास करती ऑप्शन रही देख अंगारकाम्ल अम्लजान जबक्षारजान आमर सठिक उत्तर टी अम्लजान अटे ओटर डैश ऋतु ओट मरुभूमि चली पारे गोड़ मांसल पाद आज ऑप्शन तीन देखी ता भर मांसल पाद अप्सन की ठीक तेणु आम लिखा ग नंबर मछ तार डैश द्वारा श्वासक्रिया कै अप्सन देखिए नाक काटी गालीसी आउ खुशबू सठिक उत्तर टी हूँ गालीसी तीन नंबर ठीक पाखे ठीक चिन्ह दवा आल उक्ति पाखे भूल चिन्ह दवा माकड़ आग गोड़ जो अधिक लंब अच्छे से डाणु डाण को नहीं पाए माकड़ आग गोड़ लंब अच्छे ठीक ना भूल है ठीक माकड़ आग गोड़ दुई दो अधिक लंब थी यह डाणु डाण को नहीं पाए सहजरे कौन कै डाण धरिकी ओहि पाए ख ओट निज पूजा सात आठ दिन पानी रखी थाए यह ठीक कि भूल पूजा से पानी रखे ना ये भूल ग्रीष्म ऋतु प्रभाव में बेंग कर्म हुए ठीक कितु से आमर केतेक बेंग ग्रीष्म ऋतु शीत निद्रा जाती नुक घ नंबर परेश सहित खाप खुआवाई नागफेणी गचरे कंटा थाए कांड ओसारिया और सबुज यह ठीक चार नंबर ओडिशार सबु अंचल परेश बचा गच डैश उठे आंब लड़िया शाड़ बहुत कौटी ना आंब गचटी उद्भिद जो कार्यपाई वायु जल ताप दरकार कैसे डैश फल धर अंकुरोद्गम फूल फुटा सठिक उत्तर टी हूँ कौन अंकुर शिशु उद्भिद जो खाद्य रही है डैश कहती गजा बीजपत्र भाविकाण शिशु उद्भिद जो खाद्य रही है कौन कहती बीजपत्र द्विबीजपत्री गचटी डैश अटे गहम धान पिजुड़ी घास कौटा पिजुड़ी पांच नंबर देख पाने प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य दि मिपरी अम्लजान ग्रहण करे ना माछ तार गालीसी लाल फुलुका द्वारा पानी में द्रवीभूत होम्लजान को कौन करे ग्रहण करे मरुभूमि जहाज किए यहाँ उत्तर तो तुम्हें समस्त जाच ओट को मरुभूमि जहाज कह जाए चिलिका को शीत ऋतु में बहुत पक्षी आसती कहीं चिलिका को शीत ऋतु में बहुत पक्षी आसती कारण से मैंने शीत प्रधान अंचल शीत दिन अत्यधिक ठंडा शीत अंचल उड़ी आसती किसी दिन एटार रही पुणी चल बीजपत्र काम कौन ना शिशु उद्भिद को खाद्य जगैवा होती बीजपत्र काम ठीक अच्छे पाने आम पांच नंबर पर्यंत आलोचना कले परवर्ती क्लास रे अन्य प्रश्न गुड़िकर आलोचना करवा आज आम क्लास टी ये रखा आमे तुमर ये प्रश्न उत्तर गुड़िक निज निज खाता कर खाते कर सारी ग्रुप्रे पठे ठीक अच्छे आज क्लास आम ये रखा वंदे मातरम।